नमस्कार दोस्तों, दो दिन बाद एक बार फिर हम सभी गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तब एक बार फिर देशभक्ति गीतों में हम झूमते और हमारे देश के वीर जवानों को नमन करते हुए नजर आएंगे। पर जब यही जवान हमारे सामने किसी घटना का शिकार होते हैं, तब हमारे भीतर ना जाने कौन सी कायरता आकर हमें दबोच लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहाँ माता पिता का इलाज कराने जा रहे हवलदार किशोर तिवारी को 46 आर्म्ड रेजिमेंट अमृतसर में पोस्टेड हैं, वो बदमाशों द्वारा मारपीट के शिकार हो गए। हम सब जानते हैं कि भारत माता के वीर सपूत यानी कि सेना के जवान देश की सुरक्षा को लेकर 2400 घंटे तैनात रहते हैं। कुछ दिन बाद गणतंत्र दिवस है, एक बार फिर हम लोग जवानों को लेकर सम्मान की बात करेंगे। लेकिन जब कोई जवान सरेआम बदमाशों के हाथों से मारपीट का शिकार होते हैं तो हम लोग तमाशा देखते रहते हैं। दरअसल थल सेना का एक और जवान अपने माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहे थे। इस दौरान ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाया। जवान ने जब ऑटो चालक को समझाया तो गुस्साए कई लड़कों ने जवान पर हमला कर दिया और जवान के साथ मारपीट की। इस दौरान मौके पर मौजूद जवान के माता पिता अपने बेटे को छुड़ाने लगे, लेकिन धिक्कार है उन आम लोगों पर जिनके सामने भारत माता का एक जवान मार खाता हुआ नजर आ रहा था और लोग तमाशबीन बने देख रहे थे। यही नहीं, मार खाने वाला पीड़ित जवान बूढ़े माता पिता के साथ थाने में एफआईआर के लिए घंटों बैठा रहा, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। सैनिक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी आसिफ अली, अब्दुल साहिल और एक औपचारिक बालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना रायपुर के पंडरे थाने के मित्तल हॉस्पिटल के सामने हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।